और मैं हूँ आपके साथ स्मिता उपाध्याय। लखनऊ की थप्पड़बाज लड़की प्रियदर्शनी नारायण पर अब पुलिस पक्षी दिखाने वाली है। जी हाँ, पुलिस ने शनिवार को प्रियदर्शनी से करीब 2 घंटे तक पूछताछ कर चार्जशीट तैयार कर ली है, जिसके बाद अब प्रियदर्शनी को गिरफ्तारी का डर सताने लगा है। उन्हें डर लग रहा है कि कहीं उनका करियर ना खराब हो जाए। देश भर में इतनी आलोचना होने के बाद कहीं उनका घर से बाहर निकलना मुश्किल ना हो जाए, इसीलिए वह इस मामले में सुलह करके निपटना चाहती हैं। वह कैब ड्राइवर से अब समझौता करना चाहती हैं। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि वह इस मामले को सादत से मिलकर इस केस को रफा दफा करना चाहती हैं। उनका कहना है कि सादत इनोसेंट है और वह गरीब परिवार से आता है, तो मैं किसी के परिवार को तकलीफ नहीं देना चाहती हूँ। उनके इस बयान से उनका डर साफ झलक रहा है। आपको बता दें, उन पर गंभीर धाराओं में FIR दर्ज है, जिसके तहत उनको कई सालों तक जेल में चक्की पीसना पड़ सकता है, जिसके डर से उनके सुर अब बदले बदले से नजर आ रहे हैं। जो लड़की पहले विमेन कार्ड खेलकर लगातार सादत पर इल्जाम लगा रही थी, फेसबुक पोस्ट के जरिए बीच बचाव करने आए डिफेंस ऑफिसर पर लगातार तंज कस रही थी और जेल भिजवाने की धमकी दे रही थी, वो अब कह रही है कि मैंने क्रॉस FIR इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं इस मामले में समझौता चाहती हूँ। इससे साफ पता चल रहा है कि उन्हें कानून का डर सता रहा है। जेल जाने के डर से उनकी हालत खराब हो गई है, जिसके चलते अब वह कॉम्प्रोमाइज करना चाह रही है। लेकिन किसी निर्दोष कैब ड्राइवर को सरेआम 22 थप्पड़ मारने के बाद, उसको बीच रोड पर जलील करने के बाद, अगर उनको लग रहा है कि वह इतनी आसानी से बच जाएंगी, तो यह गलत सोच रही है। अब देखना यह होगा कि उनके समझौते वाले फैसले के बाद सादत का क्या रिएक्शन होता है। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।